स्वागत है दोस्तों एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल में। और आज हम बात करने वाले 21 ब्रिजेस फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम के पहले मैंने इसका अपडेट दे दिया था कि ये ऐसी फिल्म है, वैसी फिल्म है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। चैडविक बोसमैन इसमें एज अ लीड किरदार में हमें नजर आ रहे हैं। जेके सिमंस भी है इस फिल्म में और बहुत सारी और भी स्टारकास्ट इस फिल्म में जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायरेक्टर के बारे में। ब्रायन कर्क इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने इसके पहले बहुत सारी टीवी सीरीज बनाई है। ये उनकी फर्स्ट फिल्म है बतौर डायरेक्टर। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बोली जा रही थी, बट मैंने जैसे देखी तो उसमें थोड़ा बहुत ही एक्शन लगा, थ्रिलर तो मुझे कहीं नहीं लगा। ये पूरी की पूरी स्टोरी है एक अमेरिका यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव के बारे में, जहाँ पे कॉप्स की यानी पुलिस लोगों की बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही है। तो उसका ही काम सौंप दिया है चैडविक बोसमैन को। ये डिटेक्टिव रहते हैं NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। तो वो कैसे ढूंढते हैं इन सारे लोगों को कि कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है, आगे का शिकार कौन रहने वाला है, ये सारी डिटेल्स हमें पूरी की पूरी खिचड़ी के साथ हमें मिलती है पूरे के पूरे फिल्म में। ओवरऑल फिल्म का प्लॉट बहुत स्लो चलता है और ठीक ठाक है, ना कि ज़्यादा अच्छा है ना कि ज़्यादा बुरा है। बट इसके पहले हमने बहुत सारे एक्शन थ्रिलर फिल्मों में ऐसा कुछ देख लिया है। सबसे एक अच्छा सीन ये है कि जो कॉप्स का पीछा करते हुए चैडविक बोसमैन दिखते हैं, कॉप्स का पीछा नहीं, वो जो थ्रिलर जो कि पूरा का पूरा विलन है उसका पीछा करते हुए जो वो एक चेसिंग सीन है पूरे के पूरे ब्रिज पे, वो एक अच्छा सीन और एक्शन सीन्स लगा मुझे। ओवरऑल बाकी तो कुछ अच्छा फिल्म में है नहीं और इतनी भी खास एक्टिंग है नहीं किसी की। डायरेक्शन वाइज ठीक ठाक फिल्म है, ओवरऑल ठीक ठाक ही पूरा का पूरा प्लॉट है और आपको कुछ नयापन नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक्शन थ्रिलर अगर आपको देखनी है तो उन्हीं में से ये एक और एक फिल्म इसमें जुड़ गई है जो कि ठीक ठाक है, मुझे इतनी अच्छी तो नहीं लगी। ओवरऑल इस फिल्म की कहानी ऐसी दिखाई गई है कि हमने कहीं तो सुनी है, कहीं तो देखी है, इस टाइप से पूरी पूरी कहानी बताई गई है। और जो मूवी का स्टार्ट होता है वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे 8 साल हो चुके हैं इस जॉब में और मैंने 9 आदमियों को मार दिया है, यानी 9 लोगों को किल किया है। इस वजह से भी मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में हूँ, थोड़ा मेंटली प्रेशर है मेरे पे, या मेंटली मैं अनस्टेबल हूँ ऐसा बोला जाता है। बट अगर 8 साल से ये पुलिस वाला यानी ये डिटेक्टिव अगर उस जॉब में है तो सिर्फ 9 ही किल क्यों किए, ये भी हमें सोचने लायक बात हो जाती है कि बस 9 ही लोगों को मारा तूने 8 साल में और इतने कम केसेस सॉल्व किए रहते। वहीं से पूरी की पूरी मूवी स्टार्ट होती है और कैसे ये वो कॉप किलर को पकड़ते हैं वो सारी डिटेल्स हमें इस फिल्म में मिल जाती है। ओवरऑल फिल्म ठीक है यार, ओके बोल सकते हैं, बट इतनी भी कुछ खास नहीं है कि आप जाके इसको थिएटर में ही देखो। मैं बोलूँगा आने दो, ब्लूरे पे फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टीवी पे आने दो या फिर कोई स्ट्रीमिंग ऐप पे तो आ ही जाएगी। तो यही है मेरा ओवरऑल 21 ब्रिजेस का रिव्यू। मैं दूंगा इसको आउट ऑफ 5 3 स्टार इस पिक्चर को, क्योंकि चैडविक बोसमैन अच्छा एक्टर है, उसको ब्लैक पैंथर में भी देख चुके हैं, इसके पहले भी 2-4 मूवीज में हम लोग देख चुके हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। बट इस फिल्म में उनको क्या हो गया है पता नहीं, ठीक ठाक ही एक्टिंग है, कुछ अच्छा तो इस फिल्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। और जेके सिमंस की एक्टिंग तो वो बेहतर ही नहीं करते हैं, तो उनकी एक्टिंग भी उसी हिसाब से उनकी बराबर है जैसे वो जिस पोस्ट पे बताया गया है। तो ओवरऑल यही है मेरा 21 ब्रिजेस का रिव्यू। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। नहीं देख ली है तो ठीक है, मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बने रहे हो मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।